नमस्कार, मैं प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी द्वारा मीडिया कर्मियों एवं जनप्रतिनिधि का दीपावली मिलन समारोह का आयोजन एक निजी गार्डन में किया गया। मिलन समारोह में आयोजक कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकुमन सिंह गौतम विशेष रूप से मौजूद थे। समस्त अतिथियों द्वारा स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम के शुभारंभ किया गया। शब्दों से स्वागत में कार्यक्रम संयोजक कांग्रेस मीडिया प्रभारी महेश पाटीदार ने मीडिया प्रभारी को पार्टी के जनप्रतिनिधि व पत्रकारों के मत सेतु के रूप में कार्य करना बताया। साथ ही पत्रकारों के हित के लिए कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हमेशा तैयार रहेंगे। पत्रकारों के लिए बदनावर व नागदा में प्रेस क्लब भवन की मांग भी रखी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकुमन सिंह गौतम ने कहा कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों जैसे सट्टा, जुआ व मादक पदार्थों के बारे में पत्रकारों को दस्तावेजी प्रमाण के साथ जानकारी दी जाएगी। क्षेत्र में मंत्री दत्तीगांव के समर्थकों द्वारा अवैध कारोबार की बाढ़ सी आ गई है। मादक पदार्थों से बच्चों के भविष्य का बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य हमने बनाया है। पत्रकारों को ने कहा कि क्षेत्र में कैसा विकास हो रहा है उसे जनता को अवगत कराया जाए। प्रेस क्लब भवन को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो सर्वप्रथम दोनों स्थानों पर पत्रकारों के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन बनेगा। ग्लोबल इंडिया टीवी संवाददाता लोधा शिवशंकर इकनोदिया की रिपोर्ट। आप लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, आप सबके प्रेरणा से समाज को जमीन दी, वहाँ के लिए भी अड़क आया करते रहते हैं। हम जो अपने समाज जो जमीन दी है, यहाँ पर भी धर्मशाला बनी हुई है, वहाँ के लिए भी अड़क आया करते हैं। तो अगर इस कल की अगर अभी अपने घोषणा की तो निश्चित तो जमीन तो मिलने वाली है, लेकिन इतना निश्चित है जमीने भी आसपास काफ़ी बढ़ी है। वक्त आया, यहाँ कांग्रेस विधायक रहा तो उनकी नीति से बनाएंगे, पर सब सही लोग मिलकर बना देंगे। सरकारी जितनी जो स्वेच्छा हो वो करें, बाकी आपको पर सब बैठे तो करेंगे, मिलजुल करके बनाएंगे, निश्चित तो बनाएंगे। पाँच साल अभी वक्त ये इंतजार आपको करिए, पाँच साल इंतजार करना पड़ेगा। मेरे एक गलत छात्र पत्रकार अनुभव पेड़ है।